दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उन जानवरों के बारे में बात करी थी जो विलुप्ति की कगार पर थे। आज हम उन जानवरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये घंटा जरूर दबा दें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो हमारा पहला जंतु है पैसेंजर पिजन। ये एक घूमने वाला पंछी था जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक उड़ सकता था। ये पंछी उस समय नॉर्थ अमेरिका की समतल जगहों से लेकर अटलांटिक कोस्ट तक देखने को मिलते थे। एक समय इनकी जनसंख्या 5 करोड़ तक थी। अत्यधिक मात्रा में शिकार किए जाने के कारण कुछ दशकों में इनकी जनसंख्या विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई। आखिरी जंगली पैसेंजर पिजन 1901 में देखा गया था। सिनसिनाटी जू। आखिरी पैसेंजर पिजन मार्था का घर था, जिसका देहांत आज से 108 साल पहले यानी 1 सितंबर 1914 को हुआ था। डोडो एक बहुत ही फेमस विलुप्त जानवर में से एक है। डोडो को पहली बार डच नाविकों द्वारा खोजा गया था। सन 1598 में अत्यधिक मात्रा में शिकार किए जाने के कारण इनको विलुप्त घोषित कर दिया गया। आखिरी डोडो 1662 में देखा गया था। ये मॉरिशियस में पाए जाते थे। वेस्टर्न ब्लैक राइनोसोरस, ये पहले सब सारण अफ्रीका में पाए जाते थे। अवैध तरीके से अधिक मात्रा में शिकार किए जाने के कारण 1980 में इनकी जनसंख्या 100 रह गई थी। 2001 तक आते आते इनकी आबादी 100 से घटकर 10 रह गई थी। 5 साल बाद यानी 2001 में खोजकर्ता इन्हें ढूंढने में असफल रहे। 2011 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। क्वागा, ये प्लेन जेब्रा की एक उप प्रजाति थी जिसके आधे शरीर पर धारियां होती थी। ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते थे। डच लोगों द्वारा अत्यधिक मात्रा में शिकार किए जाने के कारण 1878 में ये विलुप्त हो गए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। मैं मिलता हूँ आपको अगली ऐसी रोमांचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।